बीते दिन पहले आपने हरियाणा की राजनीति में एसआरके गुट का जिक्र तो बहुत सुना होगा। इस गुट को कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के नाम से जाना जाता है, जो बीते दिनों पहले काफी चर्चाओं में आया था। लेकिन आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि एसआरके गुट की सैलजा कुमारी कौन है, जो हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक दबदबा बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सैलजा कुमारी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे कि सैलजा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कैसे। कुमारी सैलजा कांग्रेस के बड़े नेता रहे चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं। सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में कई बार मंत्री रहे। सैलजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर की। उसके बाद साल 1991 में सैलजा हरियाणा के सिरसा से 10वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं, जिसके बाद वे नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में केंद्रीय शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री बनी। साल 1996 में हरियाणा में कांग्रेस की हार के बावजूद वो 11वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई। इसके बाद 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सैलजा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्हें 2005 में कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया और कॉमनवेल्थ संसदीय जैसे अन्य संगठनों के साथ वो जुड़ी रहीं। बाद में सैलजा ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद साल आया 2009, सैलजा ने हरियाणा के अम्बाला से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और 15वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सैलजा को मनमोहन सिंह की दूसरी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2014 में उन्हें राज्यसभा के जरिए भेजा गया। साल 2019 में अम्बाला से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सैलजा ने अम्बाला से ताल ठोकी, लेकिन जीत ना सकी और बीजेपी के रतन लाल कटारिया से वो हार गई। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति में दोबारा लाया गया और 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कुमारी सैलजा को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सैलजा जातिगत समीकरणों के चलते पिछड़े सामाजिक वर्ग के लिए पार्टी का चेहरा भी रही थी। इसके बाद साल 2022 में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह के चलते इस्तीफा देना पड़ा। अंदरूनी खबरों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बहरहाल सैलजा कुमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं।